नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक खूबसूरत सा जाली पैटर्न लाई हूँ, जिसे आप किसी भी लेडीज़ प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपसे गुजारिश है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको प्रतिदिन एक नया डिज़ाइन देखने को मिलेगा, और ढेर सारे डिज़ाइन देखने के लिए आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 8 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 3 फंदा एक्स्ट्रा। तो बॉर्डर बनाने के बाद आप पहली लाइन में सभी फंदे सीधे बना लें। पहली लाइन में सभी फंदे सीधे बना लिए गए हैं और दूसरी लाइन में सभी फंदे उल्टे बना लिए जाएंगे। दो लाइन प्लेन बनाने के बाद तीसरी लाइन से डिज़ाइन बनेगा, तो हम दो फंदा सीधा, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा सीधा बना लेंगे, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और तीन फंदों को एक साथ लेंगे। पहले थोड़ा सा ढीला कर लेंगे और फिर तीनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। ऊन अपनी ओर है, यानी जाली देते हुए तीन का एक करना है हमें। फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और पांच फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। फिर उन अपनी ओर करेंगे, तीन फंदों को एक साथ लेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। तीन का एक किया, यानी दो फंदा घट गया। ये उन अपनी ओर है, यानी एक फंदा यहाँ पे बढ़ चुका है। दूसरा फंदा बढ़ाने के लिए हम उन अपनी ओर करेंगे और पांच फंदा सीधा बुनेंगे। यहाँ उन अपनी ओर करने से एक फंदा बढ़ गया, यानी हमारा तीन का वापस यहाँ पे तीन हो गया, तीन फंदे वापस बैलेंस हो गए। तो पांच फंदा हमें सीधा बुनना है। एक बुन लिया, 2, 3, 4, 5। फिर उन अपनी ओर करेंगे और तीन फंदों को एक साथ लेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। यहाँ पे तीन का एक किया, एक जाली उसके पहले हमने बना लिया है और दूसरी जाली हम बना लेंगे, क्योंकि तीन फंदे में दो फंदा घट गया है। दूसरी जाली से ये दूसरा फंदा भी बैलेंस हो जाएगा। तो उन अपनी ओर करेंगे और पांच फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4, 5, और लास्ट फंदा एज स्टिच है उसे हम सीधा बना लेंगे। और रॉन्ग साइड से, यानी फोर्थ रो में सभी फंदे उल्टे। फोर्थ रो में सभी फंदे उल्टे बना लिए गए हैं और अब ये डिज़ाइन का पांचवा लाइन है। और सामने से फिफ्थ रो और फ्रंट साइड पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और चार फंदा सीधा बना लेंगे, 1, 2, 3, 4। और फिर उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को हम एक साथ लेंगे, पहले दूसरे वाले फंदे में फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। अगला फंदा सीधा, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे फिर दूसरे वाले फंदे में और दोनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर उन अपनी ओर करें और ये तीन फंदे हम सीधा बुन लेंगे, 1, 2, 3। फिर उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे, पहले दूसरे वाले फंदे में फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और जाली देते हुए दो का एक कर लेंगे। अगला फंदा सीधा, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, पहले पहले वाले फंदे में फिर दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे और तीन फंदे, यहाँ पे हमने देखिए पिछली लाइन में जाली तीन का एक किया था, तो इन तीन फंदों को हम सीधा बना लेंगे, 1, 2, 3। फिर उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे,
जाली देते हुए, दो का एक कर लेंगे सीधा बनाते हुए। अगला फंदा सीधा, फिर दो फंदों को एक लेंगे करेंगे पहले पहले वाले फंदे में, फिर दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे। दोनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे, दो का एक कर लिया। फिर उन अपनी ओर करेंगे, लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बना लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। सेवेंथ रो और फ्रंट साइड। सेवेंथ रो में हम अपने थर्ड रो को दोहराएंगे, यानी पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे, तीन फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए तीन का एक कर लेंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे और पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच, और फिर इन तीन फंदों को हमें एक करना है। इसके पहले हम उन अपनी ओर कर लेंगे, यानी जाली देते हुए तीन फंदों को एक करना है। जाली देते हुए तीन फंदों को एक कर लिया, फिर उन अपनी ओर करेंगे और पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच, फिर उन अपनी ओर करेंगे, तीन फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए तीन का एक कर लेंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे और पांच फंदे सीधे, इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट में एज स्टिच बचेगा उसे हम सीधा बना लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब यहाँ पे ये डिज़ाइन कंप्लीट होता है तो दो लाइन हम प्लेन बना लेंगे, यानी आगे से सभी फंदे सीधे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। ग्यारहवीं लाइन और सामने से। ग्यारहवीं लाइन में हम पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। अब हमारा जो ये डिज़ाइन है वो यहाँ पे बनेगा। ग्यारहवीं लाइन और सामने से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पांच, फिर उन अपनी ओर करेंगे और तीन फंदों को हमें एक करना है। तो उन अपनी ओर किया, तीन फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे, तीन का एक किया। फिर उन अपनी ओर करेंगे और पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच। फिर देखिए ये हमारा ये जो खाली स्पेस है वो आ गया। तो उन अपनी ओर करेंगे, तीन फंदों को एक साथ लेंगे और तीन का एक करेंगे जाली बनाते हुए। फिर उन अपनी ओर करेंगे, पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच, उन अपनी ओर करेंगे, तीन फंदों को एक साथ लेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए जाली बनाते हुए तीन का एक कर लेंगे सीधा बनाते हुए। उन अपनी ओर करेंगे और लास्ट के दो फंदे उसे हम सीधा बना लेंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तेरहवीं लाइन और सामने से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। अगला फंदा सीधा, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे और तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, अगला फंदा सीधा, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और तीन फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, अगला फंदा सीधा,
फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे, दो का एक कर लिया, और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। 15th रो और फ्रंट साइड। 15th रो में हम फिर अपने 11th रो को दोहराएंगे, यानी कि छः फंदा हम सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर उन अपनी ओर करेंगे, तीन फंदों को हमें एक करना है जाली देते हुए, तो उन अपनी ओर करेंगे, तीन फंदों को एक कर लेंगे जाली देते हुए, फिर उन अपनी ओर करेंगे और पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच, फिर उन अपनी ओर करेंगे, इन तीन फंदों को हमें एक करना है, तो उन अपनी ओर किया यानी जाली देते हुए तीन का एक कर लेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच, उन अपनी ओर करेंगे, तीन फंदों को एक करेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और लास्ट में दो फंदा बचेगा जिसे हम सीधा बना लेंगे, यानी जाली देते हुए सीधा, और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। 16 लाइन का ये डिज़ाइन है। 17वीं और 18वीं लाइन प्लेन बनाएंगे, यानी आगे से सीधा और पीछे से उल्टा, फिर 19वीं लाइन से फिर ये डिज़ाइन यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा। तो 16 लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है। डिज़ाइन आपके सामने है, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और रॉन्ग साइड से ऐसा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।